ओम श्री हनुमते नमः पंचमुखी हनुमत कवचम ओम श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र से ब्रह्मा श्री गायत्री छंदा श्री हनुमान देवता रांग बीजम मां शक्तिम चंद्रम इतनी कीलकम ओम रौं कवचाय हूं ओं अस्त्राय फटेति पंचमुखी हनुमत कवच से पाठे विनियोगः। भगवान श्री शंकर जी ने एक दिन माता पार्वती जी से कहा कि इस पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र का ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद और श्री हनुमान जी देवता हैं। राम बीज माम शक्ति चंद्र कीलक रौं कवच और होंग जो है अस्त्र है। ध्यानम अस ध्यानम प्रवाचाम श्रृणुम सर्वांग सुंदरम यतिकृतम देवी देवेशी ध्यानम हनुमत प्रियम। अब हे देवी देवेश हनुमान जी का जो ध्यान किया गया है उस परम प्रिय सर्वांग सुंदर ध्यान को मैं तुमसे कहता हूँ तुम सुनो, ऐसा जो है श्री शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा। पंचवाक्त्रम महाभीमम कपियूथ समन्वितम बाहुर्वृद्धसाभियुक्तम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। श्री हनुमान जी का समस्त कामनाओं की सिद्धियों को देने वाला पांच मुखों का यह जो है महान अद्भुत और दस भुजाओं से युक्त कपियूथ समन्वित भीम का राय स्वरूप है। पूर्वे बानर सदवक्त्रम कोटि सूर्य समप्रभम करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाले बड़ी विकट दृष्टाओं से विकराल भ्रुकुटि से कुटिल दृष्टि वाले दंशाकराल वदनम भ्रिकुटी कुटले क्षणम कुटिल दृष्टि वाले बानर के से मुख का पूर्व में ध्यान करें। अस्यैव दक्षिणम वक्तम नारसिंहम महद्भुतम इसी के दक्षिण की ओर मुंह वाला मुख जो है अतीव अद्भुत योग नरसिंह के समान है। यह मुख श्री हनुमान जी का विकराल भीषण और उग्र तेज वाला है। अत्युग्र तेजो पुष्यम भीषणम हैनाशनम अर्थात अस्यैव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महद्भुतम अत्युग्र तेजो पुष्यम भीषणम हैनाशनम। इसी तरह से जो है हनुमान जी का जो विकराल भीषण और उग्र तेज वाला शरीर होते हुए भी नाशक है, यानी कि भय को नाश करता अर्थात संकट से छुटकारा दिलाता है। तो पश्चिमे गर्णम वक्त्रम वक्रतुण्डम महाबलम पश्चिम तरफ जो मुख है वह श्री हनुमान जी का गरुण स्वरूपी मुख है जो महान बलशाली एवं वक्र है। सर्वनाग प्रसन्नम सर्वभूताधिकृंदनम जो महान बलशाली एवं वक्र है टेढ़ा है तिकोना है तथा समस्त नागों एवं समस्त भूत प्रेतों का नाशक है। उत्तरे शुक्रम वक्त्रम ग्रहणम देवतनुशोभयम उत्तर में ये है शुक्र बारह अर्थात विष्णु भगवान ने जो बारह अवतार लिया था वही महारुद्र के भोलेनाथ के अंशा अवतार पवन पुत्र हनुमान के मुख के साथ जुड़ गया। उत्तर में शुक्र बारह के समान ग्रहण मुख है जो आकाश के समान भासमान है तथा पाताल में बेताल सिद्धि पाताले सिद्धि बेताल ज्वर रोगादिक्रंदनम अर्थात पाताल में बेताल और सिद्धि और समस्त ज्वराद रोगों का विनाशक है। ऊर्ध्वम भयानकम घोरम दानवांतकरम वरम हे विप्रेंद्र ऊर्ध्व दिशा में घोर है अर्थात है माने घोड़ा के समान है मुख है दानों का अत्यंत नाश करने वाला है। एन वक्त्रेण विप्रेन्द्र ताटकाय महावहे अर्थात ताटकाय महावहे जिसने की ताड़का के महान युद्ध में उपस्थित रह करके दानों को नष्ट किया था। दुर्गत हे शरणम तस्य सर्वशत्रुहरम वरम दुर्गत में शरण देने वाले सर्वशत्रुहर पंचमुख रुद्र ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतम दयानिधिम हे हनुमान जी पंचमुखी रुद्रावतार हनुमान जी का ध्यान कर रहा हूँ अर्थात हे प्रभु श्री बजरंग बली बाबा पवन पुत्र हनुमान
हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। खंगम त्रिशूलम खड़वांगम पाशमंकुश पर्वतम, खंग त्रिशूल खड़वांग पाशंकुश पर्वत एवं मुठ्ठियों में मोदक वृक्ष कमंडल आदि को धारण करने वाले हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी से निवेदन करें, हे पवन पुत्र हनुमान जी, हम आपको बुला रहे हैं, हमारे कष्ट को दूर करिए। इस प्रकार से जो है खड़ग त्रिशूल के साथ जो है अंकुश पर्वत एवं मुठ्ठियों को मोदक अर्थात लड्डू वृक्ष कमंडलू आदि को धारण करने वाले हनुमान जी मेरी रक्षा के लिए आप ध्याइए, दौड़िए और हमारा संकट दूर करिए। भिन्दीपालम ज्ञान मुद्राम दशमम मुनिपुंगवम, हे मुनिश्रेष्ठ भिन्दीपाल ज्ञान मुद्रा आदि दस आयुधों को धारण करने वाले एतान्यायुध जालानी धारियंदम भयापहम, भय को नाश करने वाले श्रीमान जी अर्थात हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त पवन पुत्र के श्री नंदन, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आप भी हमारा ध्यान रखिए और संकटों से उबारिए। दिव्यमालाम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वैश्वर्यमयम देवम महादुस्सतो मुखम, दिव्यमाला एवं दिव्य वस्त्रधारी तथा दिव्य चंद्रानुलेपनी समस्त ऐश्वर्यों वाले विश्वतो मुख श्री हनुमान जी का ध्यान कर रहा हूँ और हनुमान जी भी हमारे जीवन का भी कल्याण करने के लिए हमारा ऊपर जो है कृपा दृष्टि रूप का ध्यान करेंगे। जय जय श्री हनुमान की जय। जय श्री हनुमान जी। बजरंगबली बाबा पंचाश मुच्यते मेने के विचित्र वैड वक्त्रम ससंग विवृतम कपिराज वर्यम पीतांबरादि मुकुटैरपि शोभमानम पंचमुखी अच्युत अनश्वर अनेक विचित्र वर्णों के मुख वाले ससंक अनेक वाद्य युक्त कपिराजों में श्रेष्ठ पीतांबर तथा मुकुटा दिकों से सुशोभित पिंगाच पीली पीली आंख वाले अंजनी सुत को मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। मर्कटस्य महोत्साहम सर्वलोक विनाशनम शत्रुसंहारकम चेत कवचम राहुपदम भरेत, उत्साह का वर्धक समस्त लोकों शोकों को दूर करने वाला अर्थात कष्टों का विनाशक अर्थात संकट नाशक शत्रुसंहारक या हनुमान जी का कवच निश्चित ही समस्त आपत्तियों को हरता है। ओम हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवाराय सकल संपत्तिकाराय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय सकल जन वश्यकाराय स्वाहा। ओम श्री पंचमुखी हनुमत कवचि स्तोत्र मंत्र से श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्ठुप छंदा श्री रामचंद्रो देवता सीतेति बीजम हनुमान शक्ति हनुमत प्रत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर हनुमान निति बीजम, ओम वाय पुत्राय इति शक्ति अंजनी सुताय इति गेलवम श्री रामचंद्र वर प्रसादाय सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः अधिनाशम। ओम हं हनुमते अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम वाय पुत्राय तजिनीभ्याम नमः, ओम अंजनीसुताय मध्यमाभ्याम नमः, ओम राम ग्राम दूताय अनामिकाभ्याम नमः, ओम रुद्रमूर्ते कनिष्काभ्याम नमः, ओम सीता अशोक निवारणाय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, ओम अंजनीसुताय हृदयाय नमः, ओम रुद्रमूर्ते श्रीशे स्वाहा, ओम वायुपुत्राय शिखाय वसुट, ओम कपयूथपाय कवचाय हम, ओम रामदूताय नेत्रत्राय वसुट, ओम पंचमुखी हनुमते अष्टाय फट। अथ विनियोगः,
ॐ श्रीराम भूताय आञ्जनेयाय वाय पुत्राय महाबलाय सीता शोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दामनायो फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्व स्वरूपायो सप्त मुद्र निरंतरो लग्नताय पिंगलो नयन मायति विक्रमायो सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठिते निराकार निराकृताय संजीवन्याम मंगलक्ष्मण महाकृष्णे प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सह रामचंद्रवर प्रसादाय खड प्रयोगागम पंचमुखी हनुमंत्र जपे विनियोगा ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा ओम हरिमर्कट मर्कटाय वम स्वाहा ओम हरिमर्कट मर्कटाय फम 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 फट स्वाहा इति पूरी ओम ओम अर्कट मर्कटाय खं 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 माळ स्वाहा ओम हरिमर्कट मर्कटाय ठान 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 अस्तंभनाय स्वाहा इति दीक्षणे ओम हरिमर्कट मर्कटाय डन 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 सफल सकल संपत्तिकराय ओम उच्चाटने ढंग ढंग ढन 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 कर्ममूर्ते पंचमुखी हनुमते इति पश्चिमे ओं गं खं गं गं चन छन जन जन ठन ठन ढन ढन थन थन पम फम बम बम यंग रंग लंग लंग सं स्वाहा इतुत्तरेति दिग्बन्ध पूर्व कपि मुखो पंचमुखी हनुमते ठन 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 सकल संत संघाराय स्वाहा ओम दक्षिण मुखे पंचमुखी हनुमते कराल वज्राय नृसिंहाय हांग 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखे गरुड़ासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम सकल विसहाराय स्वाहा ओम उत्तर मुखे आदिवाराय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनीस्वाय वाय पुत्राय अंजनीस्वाय वाय पुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुनसखाय सीता शोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षिकाय कपिसैन्य प्रकाशाय सुग्रीवाभिमान दानायु श्री रामचंद्रवर प्रसाद कायु महावीराय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाग्नि शाग्नि पिशाचिनी अंतरिक्ष ग्रह पर मंत्र तंत्र यंत्र पर तंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहारणाय पंचमुखी हनुमत प्रसादक सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्द्रः एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणम् साधक इस कवच को पढ़ करके फिर एक बार भी इस महाकवच का नित्य पाठ करता है तो उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और दो बार पढ़ने से क्या है कि द्विवारं दुपढ़े नित्यं सर्वशत्रु निवारणम् त्रिवारं दुपढ़े नित्यं सर्वसंपत्ति कारकम्। जो नित्य प्रतिदिन जो है सुबह शाम प्रति इस कवच को दो बार पढ़ता है उसके समस्त शत्रुओं का निवारण हो जाता है, तथा जो प्राणी 3 बार पढ़ता है अर्थात 3 बार पाठ करता है अथवा सुनता है उसे निम्नलिखित संपत्तियां जो है प्राप्त हो जाती हैं अर्थात निखिल अखंड निधियां जो कभी खंडित ना हो वो प्राप्त हो जाती हैं। पुत्र पौत्र धन धान से पूर्ण होता है। चतुर्वारं पढ़े नित्यं सर्वलोक वशीकरम्। जो प्राणी नित्य प्रति 4 बार पाठ करता है वह समस्त लोगों को वश में कर लेता है।
पंच बार पढ़े नित्यम सर्व रोग निवारणम तथा पांच बार पढ़ने से समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। खड़वारम तो उठे नित्यम सर्व सर्वदैव वशीग्रम सप्तवारम पढ़े नित्यम सर्व कामार्थ सिद्धम। जो प्राणी अर्थात जो भी मनुष्य इस कवच को जो है 6 बार नित्य प्रति इसे पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा या सुनाता है वह सभी देवताओं को वश में कर लेता है तथा जो 7 बार पढ़ता है उसकी समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अष्टवारम पढ़े नित्यम सर्व सौभाग्यदायकम। जो इस कवच को जो है नित्य प्रतिदिन जो है 8 बार पाठ करता है अथवा सुनता है सुनाता है उसे समस्त सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। 9 बारम पढ़े नित्यम सर्व सर्वैश्वर्य प्रदायकम। तथा जो 9 बार नित्य प्रति पाठ करता है उसे समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 बारम पढ़े नित्यम त्रैलोक्या ज्ञान दर्शनम। 11 पढ़े नित्यम सर्व सिद्धि लभेन रहा। जो साधक नित्य प्रति 10 बार पाठ करता है उसे त्रैलोक का ज्ञान हो जाता है तथा जो 11 बार पढ़ता है वह प्राणी समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कौचम स्मृति मातृण महालक्ष्मी फलप्रदम तस्मांच प्रेता भाग्यम भव्याकार्यम भव्या। यानी क्या है, जो इस कवच के केवल स्मृति मात्र से ही महालक्ष्मी प्राप्त होती है अर्थात कवचम स्मृति मातृण महालक्ष्मी फलप्रदम। इस कवच के केवल स्मृति मात्र से ही महालक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। तस्मांच प्रेता भाव्यम कार्यम हनुमतः प्रियम। इसलिए हनुमान जी के इस कवच का पाठ अत्यंत प्रयत्न के द्वारा करना चाहिए। इस कवच के पाठ से हनुमान जी का प्रिय कार्य सिद्ध हो जाता है अर्थात जो आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाता है। श्री पंचमुखी हनुमत कवचम संपूर्ण मोर बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम की जय। हर हर महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इस तरह से हनुमान जी का पंचमुखी कवच संपूर्ण हुआ। बहुत श्रद्धा के साथ गदगद मन से जो है हनुमान जी का यह पांचमुखी कवच जो पढ़ता है, एक ही भी श्लोक काफी है, अगर संपूर्ण कवच नहीं पढ़ सकता तो एक श्लोक दो श्लोक जो जितना भी सुनना चाहे पढ़ना चाहे उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम हनुमान जी बजरंगबली बाबा की जय। जय जय प्रभु।